नमस्कार, मैं मुकेश राठौड़, स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं कुछ ऐसी टिप्स लेके आया हूँ जो हमें ऑक्सीजन के लिए बेहद ज़रूरी है। हम देख रहे हैं कि हमारे देश में हर क्षेत्र के अंदर हर लोग पैनिक हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कहीं ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, कहीं कुछ प्रॉब्लम। मुझे लगता है कि हमें घर पे ही थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। मैंने एक वीडियो और बनाया है जो इसमें लिंक में भेज दूंगा, उसमें मैंने बताया कि घर के सिंपल बेड को वेंटिलेटर हम कैसे कर सकते हैं। अगर आपका ऑक्सीजन बहुत डाउन हो रहा है तो हम कैसे उसको अप कर सकते हैं घर में ही रह के। इसके लिए कोई ऑक्सीजन सिलेंडर की किसी की ज़रूरत नहीं है। नेचर जो ऑक्सीजन है, कुदरती जो ऑक्सीजन है, उसको ही हम कैसे अपनी बॉडी के अंदर ज़्यादा ले सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, उसको भी देख लें आप। अब मैं बता रहा हूँ कि आप एक छोटा सा काम करें, जो हम ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, देख रहे हैं हम डॉक्टरों को भी गालियां देते हैं, हॉस्पिटल को भी बुरा भला बोल रहे हैं, सरकार को भी बोल रहे हैं, इसकी वजह मुझे लगता है कि हम खुद हम क्या कर सकते हैं इस महामारी में, इस बुरी परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। तो आज मेरी कोशिश ये है कि मैं एक मोटिवेटर होने के बाद भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ऐसी टिप्स लाऊँ जिससे आपके हेल्थ के लिए, आपके आपके जो भी परिवार के लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए मैं छोटी सी टिप्स दे रहा हूँ। और ये बहुत ही कारगर है, इसके लिए कुछ भी आपको बाहर से नहीं लाना है। तो एक छोटी सी पोटली मैं बना के दिखाऊंगा जिससे आपका ऑक्सीजन लेवल 100% आपका लेवल बढ़ेगा। साथ साथ में अगर आप नॉर्मल है आपका लेवल तो आपको कभी डाउन नहीं होगा, कभी भी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना के जो सिम्टम्स हैं वो आपको कभी नहीं आएंगे। इसके लिए बहुत ही छोटी सी टिप्स है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा, थोड़ा सा हम लेंगे अजवाइन। यहाँ आप देख सकते हैं अजवाइन है, ये जो अजवाइन है, तो इस अजवाइन को आप घर में आराम से मिल जाएगा, रसोई में रहता है, हर किसी के किचन में मिल जाता है, अजवाइन है। दूसरे नंबर पे है जीरा, जो हम घर में हर व्यक्ति जीरा यूज करता है, जीरा काफ़ी अच्छा होता है। और तीसरे नंबर पे है ये लौंग है, ये देख सकते हैं आप, इस तरह का लौंग होता है, अच्छा क्वालिटी का लौंग लीजिए। और चौथे नंबर का है आपका ये इलायची, और पाँचवें नंबर का है ये कपूर। ये मैंने पांच चीज़ें बताई हैं। इसमें अगर आप और भी ज्वाइन करना, इसको और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें हींग भी डाल सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का अगर हींग हो तो। तो ये पांचों चीज़ों को मैं आपके सामने पोटली बना के दिखाऊंगा। और ये सिंपल सा आप कोई भी वाइट कॉटन का कपड़ा ले लें, साफ़ सुथरा कॉटन होना चाहिए। ये मैंने नैपकिन यूज़ किया है, नया है, फ्रेश है इसके लिए। इसमें मैं थोड़ा सा जीरा डाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं, आप देखिए इसमें मैंने जीरा डाला है, ये जीरा है। इसमें मैं मिक्स कर रहा हूँ अजवाइन, ये मैंने अजवाइन डाली। इसमें मैं लवंग डाल रहा हूँ, लौंग। इसके अंदर मैं चार या पांच इलायची डालने वाला हूँ। इलायची को थोड़ा अगर हम इस तरह से करके इसको फोड़ सकते हैं, फोड़ के डालेंगे तो इसका रिजल्ट थोड़ा अच्छा आ जाएगा। आप इसको कूट भी सकते हैं या तो ऐसे तोड़ तोड़ के, देखिए इस तरह से दो भाग करके ऐसे डाल सकते हैं, तो इसका रिजल्ट थोड़ा अच्छा आएगा, खुशबू ज़्यादा देगी। इस तरह से आप तोड़ सकते हैं इसको, और इसके ही ऊपर आप ये चार पांच चीज़ें डाल दीजिए, आपका कपूर, ये कपूर आपको कहीं भी मिल जाएगा। ये बन गई आपका कुदरती ऑक्सीजन का पोटली, और ये पोटली इतनी शानदार बनेगी। इसको इस तरह से ले लीजिए आप, और इस तरह से लेने के बाद आप अच्छी तरह इसको इस तरह से बैंड लगा दीजिए इसमें, ये देखिए इस तरह से आप इसको बैंड कर देंगे। अब ये बैंड करने के बाद आप छोटे से कपड़े में रख सकते हैं, उसको अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं। और हैबिट रखिए, अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं या घर में हैं या कहीं पे भी हैं, आते जाते समय इस तरह से पूरी तरह ऑक्सीजन लीजिए इसको भर के, छोड़िए सांस, इस तरह से लीजिए। और इसमें एक चीज अगर प्लस कर दें कि जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम का आपने नाम सुना होगा, जैसे एक नाक को बंद करके दूसरे नाक से खींचें, दूसरे से छोड़ दें, फिर से खींचें, या तो हम सिंपल सूंघें छोड़ दें। जब भी आप कहीं घर में हैं या ऑफिस में काम कर रहे हैं, आते जाते कहीं आपका काम है, आप या पे फ्रंट लाइन के ऑफिसर्स हैं या पुलिस लाइन में हैं, या फिर आप डॉक्टर्स हैं या फिर आप नर्स हैं, कहीं पे भी आप काम कर रहे हैं, तो इसको हमेशा बना के रखें। और हर एक व्यक्ति, बच्चा छोटा बड़ा, कोई भी इसको ले सकता है, इसमें कुछ हानि नहीं है, बहुत ही अच्छा है। आप देखेंगे 10 मिनट के बाद आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा। अगर मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, क्योंकि मैं हर रोज़ एक टिप्स देने वाला हूँ।
कोरोना के लिए कल एक वीडियो बना रहा हूँ कि कौन सा प्राणायाम है, योगा के टिप्स हैं जो केवल 10-15 मिनट करके आपका ऑक्सीजन आपको भरपूर मिलेगा, कोरोना का सिम्टम्स होने के बाद भी वो आपसे दूर भाग जाएगा गारंटी के साथ। मैं वो टिप्स बताने वाला हूँ, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।